नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ हैं कैप्टन सरकार में वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। साधु सिंह जी, आपका स्वागत है जी मीडिया में डायरेक्ट विद दिनेश में। जी, करीब दो महीने हो चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को पंजाब में। क्या आपकी सरकार सेटल हो गई है? दिनेश जी, सही पूछा आपने। सरकार तकरीबन दो महीने से कम हुए हैं जी। सरकार अपने आप में जी पूरी तरह से सफल है दो महीने की जी। जितने हमने मुद्दे लिए हैं जी और लोगों को पता चला है कि जिस तरह गेहूं का सीजन था, 10 साल अकाली दल और बीजेपी की सरकार ने किसानों को रुलाया था जी। कभी बारदाना नहीं था, कभी ठेकेदार चुकाई के लिए नहीं आया, कभी पेमेंट नहीं हुई। इस बार ऐसा हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की सरकार जी एक किसान नहीं मंडी में रुला, आज आया कल को पैसे भी मिल गए और फसल बेचकर अपने खुशी खुशी घर में गया और किसान आज पूरा खुश है जी। दूसरा, किसान खुश है। किसान को तो आपने वादा किया था कि सरकार आते ही किसानों के अन्नदाता के पंजाब में कर्ज माफ होंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार और मुख्यमंत्री जो है वो पंजाब सरकार में पंजाब सरकार के बाद बने, लेकिन कर्ज माफ अभी तक नहीं हो पाया अन्नदाता का, पंजाब के अन्नदाता का। उत्तर प्रदेश की स्थिति और है, हमारी स्थिति और है, उत्तर प्रदेश का लोगों का स्वभाव और है, हमारा और है जी। बिल्कुल 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 मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थिति और है, पंजाब में स्थिति और है, लेकिन कोई तो रोड मैप, कोई तो एक साफ बात जो है पंजाब सरकार किसानों के सामने रखती, जनता के सामने रखती, मीडिया के सामने रखती। आपने समिति बना दी, आपने कहा कि स्थिति और है लेकिन समिति बना दी। कांग्रेस का जो कल्चर समितियों का रहा है, उसमें भी समिति समिति की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फैसला सरकार करेगी। इसमें वक्त ज्यादा नहीं हो जाएगा? आप बताइए कितना वक्त लगेगा। देखो, बात यह है दिनेश जी, आपने सही पूछा। अगर हमने एक साल जैसे यूपी में किया है, उत्तर प्रदेश में लाख लाख दे देंगे, वो बड़ी आसान बात थी। लेकिन किसका कितना नुकसान हुआ है, कितना कर्ज है, उसको माप लेना जरूरी है। कमेटी समिति बनानी जरूरी थी। जब भी रिपोर्ट आ जाएगी, कांग्रेस पार्टी की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का वचनबद्ध है, इसको तुरंत किसानों का, जब भी रिपोर्ट आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, किसानों का कर्जा माफ करना है जी। क्या सिर्फ कर्ज में अगर बात की जाए, ये भी बात हो रही है कि कर्ज में जो इंस्ट्रूमेंट्स का जो खर्चा है, जो अन्नदाता ने ट्रैक्टर्स और दूसरे और इंस्ट्रूमेंट जो वहाँ पर लिए किसान ने किसानी के लिए, वो सब कर्जा भी उसमें इंक्लूडेड है, वो भी माफ होगा? देखो, कर्जा वो ही माफ होगा। देखो, बात ये है, लोग जो किसानी के लिए कर्जा लिया है, जैसे उसने कोई मशीन लिया है, ट्रैक्टर लिया है, कर्जा उसकी स्थिति कमजोर होगी, नहीं भर सका जी। खाद ली है सोसाइटी से, वो कर्जा माफ होगा। अगर मैं चाहूं, मैं किसान हूं, 2 करोड़ का कोठी पर लगा दूं, शादी पर लगा दूं, वो कर्जा माफ होने वाला नहीं है। पिछले करीब दो महीने में कितने वादे जो है, कितने वादे कैप्टन सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने पंजाब के लोगों से जो आपके मैनिफेस्टो में थे, वो पूरे किए हैं? सारे के सारे वादे पूरे करेंगे दिनेश जी, ऐसी बात नहीं है, पर समय तो चाहिए ना। आज आप ही अच्छी तरह जानते हैं, 2 महीने अभी हुए नहीं। मंडी का पहले हमारे सामने चुनौती थी गेहूं की खरीद की, वो हमने पूरी तरह से किया, आज किसान खुश है। आज इंडस्ट्री की बात है, मंडी गोविंदगढ़ एशिया की लोहे की मंडी है, इस्पात की, और आज जहां मंडी गोविंदगढ़ में 50 ऐसी फर्निशें थी जो बिकाऊ थी, खत्म हो चुकी थी, आज उन लोगों ने दोबारा बिजली के कनेक्शन अप्लाई किए दे रहे हैं। आज मंडी गोविंदगढ़ में फिर 10 साल के बाद दोबारा व्यापारी है जो खुश है, नजर आ रहा है। वहां ट्रांसपोर्ट को काम मिल रहा है, मजदूर को काम मिल रहा है, सभी लोग खुश हैं। और जो मंडी गोविंदगढ़ के व्यापारी हैं, वो कहते हैं जो हमने चाहा था, जिस तरह से वोट दी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के यकीन पर, वो हमें पूरा हुआ है। आज साफ स्थिति है, हमने पुरानी जो
इंडस्ट्री है उसको भी राहत देने की बात की है जी, पावर है जो वो भी सस्ती देने की बात की है जी, हमने जो यकीन दिलाया उस पर मंडी गोविंदगढ़ के पंजाब के व्यापारी के कॉन्फिडेंस है। पहले 10 साल में लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था, यकीन नहीं था। पहले तो 10 साल सरकार में ये भी हुआ है, कहीं डबल रोटी की फैक्ट्री है ब्रेड की, वहां पर भी डरते थे 2 रुपए चल रहे हैं जी, और कोई अच्छी इंडस्ट्री थी उसमें हिस्सा डालने की बात हो रही थी जी। अब लोगों का कॉन्फिडेंस है, इसलिए काम चला है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जैसे 2002 से लेकर के 2007 तक जी, यहां से इतना ऊंचा पंजाब को ऊंचा किया था, व्यापारी भी खुश था, किसान भी खुश था, मुलाजिम भी खुश था, इसीलिए उसे यकीन के तौर पर लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनाया है। इसीलिए हम चाहते हैं कोई ऐसा वादा ना हो जो हमने किया है वो पूरा ना हो, जल्दी करेंगे जी। आपने कहा कि बिजली जो है सस्ती, कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उन्होंने वहां पर कहा कि पावर जो है, बिजली जो है पाकिस्तान को देनी चाहिए, इससे इससे जो है पंजाब को पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, पावर सरप्लस है इसका मतलब। सुखबीर बादल जो उप मुख्यमंत्री थे पिछली सरकार में, शिरोमणि अकाली दल सरकार में, वो कह रहे हैं कि सरप्लस पावर, तो उनके इसका मतलब ये हुआ कि सरप्लस पावर जिसकी की बात वो करते थे पंजाब के पास है, इसीलिए पाकिस्तान को बेचने की बात हो रही है। नहीं, उनके समय में सरप्लस इसीलिए थी, इंडस्ट्री बंद पड़ी थी, इंडस्ट्री तो चलती नहीं थी, सरप्लस ही रहेगी। हम जैसे दूसरी स्टेट से लेना चाहते हैं बिजली जी, हमारे पास से लाइनें हैं जी, यहाँ दूसरी स्टेट से आ सकती है, दूसरी स्टेट से आएगी, यहाँ सरप्लस होएगी, उसको पाकिस्तान से बेचा जाएगा, उससे कमाई होगी। सुखबीर बादल तो ये कहता हमारे पास सरप्लस बिजली हुई है, ये लोकल बिजली कितनी उन्होंने पैदा की है, कितने थर्मल प्लांट बंद पड़े हैं। हम तो बिजली उसकी बात कर रहे हैं जहां कहां हमारी स्टेट में, हमारी स्टेट है, उनके पास फालतू बिजली है, हम उनसे लें जी, उनसे लेकर के जितनी हमें चाहिए उसके ज्यादा हमारे पास रूट हैं जी, पाकिस्तान को बेच सकते हैं जी, इसीलिए वो स्टेट को फायदा होगा। साधु सिंह जी, एक वादा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये भी किया था गुटका साहिब की कसम खाकर कि 1 महीने में कैप्टन सरकार, कांग्रेस की सरकार आने के बाद पंजाब जो है नशा मुक्त हो जाएगा। कितना नशा मुक्त पंजाब हुआ 1 महीने में। कैप्टन अमरिंदर सिंह की यही खूबी है, जो कहते हैं वो करते हैं जी। आज पंजाब में जो लोग दिन दिहाड़े घर घर जाके समय की सप्लाई होती थी वो बंद हो गई जी। आज 99% वो लोग या तो भाग गए जी, या वो बंद हो गए, यहाँ खुलेआम जो समय की सप्लाई सी, नशे की सप्लाई सी, बंद हुई है जी। और जो सरकार की शह पे, जी, सरकार की शक्ति के ऊपर चलता था स्मैक का जी, और शरेआम हो रहा था, जैसे मजीठिए का नाम आता था, किसी और का आता था, लेकिन वो परिवार कभी मजीठिए के खिलाफ नहीं होया, बादल साहब की जी, इसीलिए नशा शरेआम बिकता रहा। आरोप है, आरोप है जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनके खिलाफ ये आरोप है, सिर्फ महज आरोप है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूव नहीं हुआ। ये नहीं, प्रूफता ये है, अब बिकता रहा है, अब नहीं बिकता, बंद हुआ तो प्रूफ ही हो गया ना। अब कोई 99% समय वाला दिखता नहीं है, क्यों भाग गए, क्यों भागे हैं लोग, इसीलिए भागे हैं। अब कितनी बड़ी मछलियां जो है पिछले करीब 2 महीने में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने या पुलिस ने, बड़ी मछलियां ड्रग्स में जो बड़ी मछलियां थी वो पकड़ी। देखो, बड़ी मछलियों का था पता तो उनको मजीठिया को होगा, उनकी सरकार को होगा, जो मछली रहेगी है उनको ही मालूम है, हमें बताया मैं पकड़े जो रहेगी है मछली वो ही जानते हैं, हमें तो मछलियों को पता नहीं। हम तो ये चाहते हैं, साधु सिंह की सरकार आपकी है, आपको बताना है पंजाब की जनता को, आप बताइए कि कितनी बड़ी मछलियां पकड़ी गई। मछलियां जो भी बड़ी हो छोटी हो है ही नहीं, जब दिखेगी उस पर निशाना लगेगा। आप कह रहे हैं कि पूरा नेटवर्क खत्म हो गया, बड़ी मछलियां कोई नहीं है। नहीं, अभी तक हमें दिखी नहीं है, जब दिखेगी तो आपको बताएंगे जी, जब दिखाई देगी, बेचने वाला दिखेगा जी, आपको दिखाएंगे जी। लेकिन हमें जब... तो देखो, मछली की आंख में निशाना लगाना है, हमें नशा नहीं बिकना चाहिए जी। वो बड़ी मछली हो या छोटी मछली हो, कितना बड़ा आदमी हो, कोई व्यक्ति हो, किसी से
कोई रियायत नहीं की जाएगी जी। इसी डर से आज नशे की जो सप्लाई बंद हुई। आप विपक्ष में थे जब कांग्रेस विपक्ष में थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है जब विपक्ष में थे बड़े बड़े नाम लेते थे वो, कि बड़े बड़े नाम उन्होंने अपने जुबान से लिए, लोगों के बीच लिए कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी उनको जेलों में डाला जाएगा। कितने ऐसे नाम जो है, कितने ऐसे नामों को, कितने ऐसे लोगों को जेल में डाला गया? आप परपक फैसला लेगा कैप्टन अमरिंदर सिंह, ऐसा नहीं है कि कमजोर फैसला ले रहे। जब उनके पकड़ में पूरे है, स्थिति साफ हो जाएगी, जेल में डालेंगे और छोड़ेंगे नहीं, पक्कियां हथकड़ियां लगा के डालेंगे। आप पंजाब की जनता को आश्वासन दे रहे हैं या कह रहे हैं कि जरूर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, जो बड़ी मछलियां हैं वो जेलों में होगी, बड़े जिन नामों का जिनके नाम लिए गए थे वो जेलों में जरूर होंगे, सलाखों के पीछे होंगे? बिल्कुल होंगे, पक्का उनका जो है तैयार हो जाए, बिल्कुल होंगे जी। पक्के सबूतों, पक्के सारी बात पर्चा बन जाए तो उसको करेंगे जी। साधु सिंह जी, कितना नेटवर्क जो है नशे का पूरा नेटवर्क खत्म हो गया पंजाब में, अभी भी नेटवर्क बचा है, आपका क्या मानना है? नेटवर्क बहुत कम हुआ है, कम लोग आज, पहले गली गली मोहल्ले मोहल्ले कॉलेजों में सप्लाई हुआ करती थी जी सरकार की शय पर जी। अब कोई ऐसा केस नहीं आ रहा है, कोई सप्लाई कर रहा है, कोई बेच रहा है, कोई ऐसा नहीं है। पंजाब के अन्नदाता पे वापस आऊंगा, पंजाब की जनता या पंजाब, आप कह रहे हैं कि पंजाब के अन्नदाता ने अब सुसाइड करना छोड़ दिया है क्या? पंजाब में सुसाइड नहीं हो रहे, पहले भी सुसाइड हो रहे थे, अभी भी सुसाइड जारी है, इनको कैसे रोका जाएगा? साधु सिंह जी, कोई ठोस नीति जो है अभी तक सरकार रोड मैप नहीं बना पाई है इस पे। देखो बात ये है, हमने जो कहा है कर्जा माफ करना है, उनकी मदद करेंगे, उनके लिए तरह तरह की जैसी फसलें हैं उनको बीज अच्छा देंगे, उनको रहते देंगे, सभी ठीक होगा। आज एक दिन में तो हो नहीं ना सकता, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कर दो जी ऐसा हो जाएगा, उसके करने में समय लगेगा। मैं कह सकता हूं कि किसान को जी खफा नहीं होने देंगे, उसको मरने नहीं देंगे, हमारा ये कदम जिम्मेदारी है। अगर हमारे भी होते हुए किसान मरेगा, सुसाइड करेगा, तो हमारे में उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए हमारी पुरजोर कोशिश है उनको हर तरह की जो समस्या है उनकी हटाएं और उनकी मदद करेंगे और उनको कामयाब करेंगे जी। विपक्ष ये भी कह रहा है कि समिति बनाने की, कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, पूरा ब्यौरा जो है किसान और किसानी के, जिन्होंने आत्महत्याएं की है, जिन्होंने कर्ज लिया है, वो विभाग के पास है, मंत्रालय के पास है। बात ये है, ये समिति बनानी पड़ती है, कोई भी काम करना है तो उनको लिए तो ब्यौरा तैयार करना पड़ेगा ना जी। ऐसी कौन सी जगह है जहां से नोट लिया गया ऐसे ही फेंक देंगे? तैयार करना पड़ेगा, कमेटी तो बनानी पड़ेगी, फैसला देंगे जी। किसी एक के हाथ में नहीं है, बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों की बात है ये जी। देखा जाएगा कहां नकली एजेंसी है, कहां सही है, किसी को सही लाभ देना है, किसी को ऐसा तो नहीं हमारे साथ सरकार से चूना लगा रहा है जी। को सही हो, कर्जा उसने लिया है जी। अगर उसने अपनी कोठी पर डालने के लिए या बड़ी कार खरीदने के लिए कर्जा लिया, वो तो माफ नहीं करेंगे हम जी। हम कर्जा माफ करेंगे जो किसान के हित में है, जो किसान के ट्रैक्टर का है, हल का है, खाद का है, जो जरूरी जी कर्जे हैं, छोटे हैं, उनको माफ करेंगे जी। साधु सिंह जी, आप कह रहे हैं समिति बनाना जरूरी था, लेकिन कांग्रेस कल्चर में रहा है कमेटी बनाना, टाल देना आगे के लिए। पंजाब की जनता ये जानना चाहती है कि इस समिति के जरिए जब रिपोर्ट आएगी तो तुरंत उसको लागू किया जाएगा? बिल्कुल तुरंत लागू करेंगे, इतने में समिति अपना काम कर रही है, हम जो पैसा देना है उसके लिए हम अपना काम कर रहे हैं जी। जब भी रिपोर्ट आएगी तो किसानों को निराश नहीं होने देंगे, जो कहा पूरा करेंगे जी। साधु सिंह जी, क्या पिछले 50 दिन में पंजाब में कानून व्यवस्था जो है, कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार आ गई है, अब तो आपकी सरकार आ गई है, क्या कानून व्यवस्था जो है पटरी पे आ गई है पंजाब में, ये कहा जाए कि कानून का राज स्थापित हो गया? देखो बात ये है, जो इतनी देर में 10 साल में जंगल का राज था जी, कुछ ठीक हुआ है, कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। जो बड़े अफसर हैं उनको हटाएंगे, अच्छे अफसरों को थापड़ा देके उनसे काम लेंगे, जो अगर अफसर अच्छा काम नहीं कर सकता उनको साइड पे करेंगे जी। ये देखो एक दिन में इतना 10 साल का काम एक दिन में, 10 दिन में, 2 महीने में ठीक नहीं हो सकता जी। उसको ठीक करने में
कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन करने पड़ेंगे ना, किसी को अच्छा कहना पड़ेगा, किसी को भाई जिम्मेवारी हटानी पड़ेगी, किसी को जिम्मेवारी देनी पड़ेगी, वो टेस्ट करने पड़ेंगे ना, सब देश चल रहा है काम जी। कितना समय लगेगा ये कहा जाए कि जंगल राज को कानून और एक कानून का राज स्थापित करने में पंजाब में कितना समय लगेगा, इसका भी कोई इसका कोई तय समय होगी क्या? पुलिस और प्रशासन को सुदृढ़ चुस्त और दुरुस्त बनाने में वक्त लगेगा, या कुछ ये कहा जाए कि एक कमान एक ये कहा जाए कि दिशा निर्देश जब जारी कर दिए जाते हैं सरकार की तरफ से तो सबको समझ जाना चाहिए, दे शुड फॉल इन लाइन? बिल्कुल समझ जाना चाहिए, नहीं समझे तो समझ जाए, नहीं तो और लोग अफसर बहुत है जिनसे काम हम ले सकते हैं। सीएम साहब ने सभी को बुला के, डीजीपी को, सभी आला अफसरों को बुला के कहा है हमें पिछला जो जंगल का राज था ऐसे कोई दोहराया ना जाए, ये पंजाब को नशा मुक्त करना है, डर से मुक्त करना है, और जो गुंडागर्दी है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, कोई बड़े से बड़ा कितना आदमी होए कितना कोई हो उससे माफ नहीं किया जाएगा जी। आप कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म करना है, लेकिन अभी भी पंजाब में गैंग वॉर, गैंगस्टर जो है उन सरेआम अगर ये कहा जाए कि दिन दिहाड़े लूटपाट वो जारी है, 145 दिन हो चुके हैं नाभा जेल ब्रेक का, जो एक गैंगस्टर वो फरार है अभी तक, एक आतंकी वो फरार है अभी तक, जो है पुलिस उसको पकड़ नहीं पाएगी, कब पकड़ेगी पुलिस उसको? जल्दी रिजल्ट आपके सामने आएगा, गैंग वॉर्स खत्म होंगे, गैंगस्टर्स खत्म होंगे पंजाब में? बिल्कुल बिल्कुल गैंगस्टर खत्म होंगे, सरकार में कोई ऐसा एमएलए, कोई मिनिस्टर, कोई ऐसा साथी नहीं होगा जो गैंगस्टर का साथ देगा, किसी बदमाश का साथ देगा, किसी नशा बेचने वाले का साथ देगा, पहले ये होता रहा है अब नहीं होगा जी। एक आरोप ठीक हो जाएगा जी साधु सिंह जी, एक आरोप जो कैप्टन सरकार के ऊपर लग रहा है, अभी दो ही महीने हुए हैं कि कैप्टन सरकार जो है वो अफसरों ने चलाना शुरू कर दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बजाय, मंत्रियों के बजाय जो है अफसर जो बताते हैं वही मान लिया जाता है और अफसर वहां पर सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अफसरों को हम चलाएंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह अफसरों को चलाता है, 10 साल जो पहले हुआ है सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार अफसर चलाते थे, सरदार प्रकाश सिंह बादल आप जो एमएलए का काम है चेक बांटने का काम करते थे, अफसर ये सरकार चलाते जो कहते थे वो करते थे। कैप्टन अमरिंदर वहां एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो एक दिन में 10-10 मीटिंगें, 12-12 मीटिंगें, आज मीटिंग की है कल को उसका जवाब लेना है जी। किसी का परसों का जवाब लेना है, ये नहीं है कि आज मीटिंग कर दी 10 दिन में पूछना नहीं है, उसका रिजल्ट लेना है। क्या साधु सिंह जी, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है इज ही इन फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, अगर पंजाब की बात की जाए, पंजाब राज्य की बात की जाए? अगर ये कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं कंट्रोल रख सकता कोई नहीं रख सकेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का फुल कंट्रोल है, कभी कभी देखना होता है ये अफसर करना क्या चाहते हैं जी, ये सही कर रहे हैं या नहीं सही, कभी समय देना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है जी। आप कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है ही इज इन फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, भी क्या कर रहे हैं, एक निजी कार्यक्रम में जाते हैं, निजी चैनल के कार्यक्रम में जाते हैं और उस चैनल को ब्लैकआउट कर दिया जाता है, तो सरकार आपकी है या उस निजी नेटवर्क की है? देखो नेटवर्क है जो बिगड़ा हुआ काम, पहले मैं बता रहा था जी, बिगड़े हुए काम को कितना जो ऑपरेशन करना है तो उसको सोच समझ के करना पड़ेगा, सब ठीक होएगा, फिक्र मत कीजिए। ऐसे चैनल जिन्होंने मनमर्जी की है जी, वो समय निकल गया, अब मनमर्जी नहीं चलेगा, जो कंट्रोल है सरकार के पास रहेगा और जो मोनोपोली थी वो खत्म करेंगे, मोनोपोली नहीं रहेगी किसी जी। आप कह रहे हैं मोनोपोली खत्म होगी, ZPHH, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को करीब दो साल के करीब हो गए हैं इस नेटवर्क से, केबल नेटवर्क से बाहर हुए, और अभी भी आपकी सरकार को करीब 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमको नोटिस भिजवाए जाते हैं मीडिया की आजादी के लिए, मीडिया की आजादी के लिए आवाज उठाने के लिए। बात ये है, आपको बोल रहा हूँ, ये अथॉरिटी बनेगी सरकार के अंडर होगी, किसी का एक का नहीं रहेगा। आपको आपके दर्द को मैं समझता हूँ जी, बिल्कुल समझता हूँ। ये दर्द हमारा नहीं, ये दर्द मेरा नहीं, ये पंजाब के लोगों का है जो फ्री मीडिया चाहते हैं, मीडिया को आजाद चाहते हैं। तुम्हारे का नहीं, बात ये सभी मीडिया का, जिनको कंट्रोल से बाहर रखा गया, जिनको मोनोपोली बना के जिनको पीड़ा दी गई है, वो सभी की बात है। मीडिया आजाद होगा पंजाब में?
बिल्कुल आजाद होगा, मीडिया को आजाद होना चाहिए। अगर मीडिया नहीं आजाद होगा मैं समझता हूँ वो देश और स्टेट कमजोर होगी जी। कब तक आजादी मिलेगी? मीडिया ने ही सब कुछ, मीडिया एक देश की फोर्सेस है, मीडिया एक फोर्सेस है जी। धन्यवाद, आप ये मानते हैं जिसने सही बताना है गलत जनता बताना ये जानना चाहती है कि कब तक आजाद होगा मीडिया, कब तक आजादी मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को पंजाब में? जल्दी होगी, आगे से जब यहाँ आऊंगा ना आपको कहने का समय नहीं मिलेगा जी, जल्दी हो जाएगा जी। साधु सिंह जी, वीआईपी कल्चर, लाल बत्ती नीली बत्ती पर जो है अंकुश लग गया, बैन लग गया, क्या ये बैन वीआईपी कल्चर की जो मानसिकता है उस पर भी लगेगा? उस पर कैसे ये बैन लगेगा? बिल्कुल लगना चाहिए। और लाल बत्ती भी मैं समझता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, मुख्यमंत्री जी ने पहले अपनी गाड़ी पे उतार के फिर मंत्री साथियों को सभी को पंजाब में लागू कराया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के पैर में पैर रखते हुए उसको सही माना और उन्होंने भी लाल बत्ती का कल्चर बंद करने का आदेश दिया है। मैं समझता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों को दिल की बात जो थी उसने पूरी की है, भाई लाल बत्ती से लोग नाराज हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए जो लोग अभी मन में कोई रखते हैं ना वीआईपी कल्चर, दूजों को पीड़ा देते हैं, वो समय आएगा वो अपने आप सुधरना उनको पड़ेगा जी। लेकिन सुखबीर बादल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष वो कहते हैं कि लाल बत्ती तो चले गई लेकिन जिप्सी जो है वो अभी भी आगे और पीछे घूम रही है, ये जिप्सी कब जाएगी? जिप्सी जो है, जिप्सी है ये अंगरक्षक है उनमें जी, गनमैन है उनमें जी, उसमें एमएलए या मंत्री नहीं बैठता है जी। पंजाब की स्थिति आप जानते हैं कि 10-12-14 साल जो आतंकवाद हटाया आज भी डर है कहीं ना कहीं जी। ये जो स्थिति है उनको समझते हैं जिन्होंने, लोगों ने आतंकवाद यहाँ देखा है जी। इसीलिए आज सुखबीर बादल जो कह रहा है 400-400 आदमी लेके सुखबीर बादल घूमते रहे, उनके हर परिवार के जी के 40-40, 30-30 गनमैन रहे हैं, वो हमने कम किया है जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपनी सिक्योरिटी 4 गुना कटाई है जी। इसीलिए जितने लोग चाहिए उतने रहेंगे, उनके राज में कितने हजारों लोग सिक्योरिटी बल लगाए हुए थे, वो सिक्योरिटी हमने बंद किया, जिसको जरूरत है उसको दे रहे हैं जी। तो आप कह रहे हैं कि थ्रेट परसेप्शन के मुताबिक जो है सुरक्षा दी जानी चाहिए और दी जाएगी। आप ये मानते हैं कि और भी कटौती जो है वो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या दूसरे वीवीआईपी हो उनमें कटौती हो सकती है, थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, मैं आपकी बात मानता हूं। अगर मेरे पास ज्यादा लोग हैं तो हटा देने चाहिए, जितने चाहिए उतने ही चाहिए। मैंने अब 300 गन में 30 लेके क्यों चलूं जी, लोड तो 2 आदमियों की या 4 आदमी के है जी, जितनी जरूरत है उतनी होगी जी। आम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम जनता को, आम आदमी को कैसे सुरक्षित, लोगों कैसे सुरक्षित महसूस किया जा सकता है कि वो सुरक्षित महसूस करे पंजाब में आम जनता? देखो आम जनता तो सरकार ही उसको बचा सकती है, उसको तसल्ली दे सकती है। आज मैं कह सकता हूं कि जिस दिन की कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, लोग आजादी जैसा माहौल महसूस कर रहे हैं जी। इतनी बड़ी स्टेट है, कहीं इक्का दुक्का कोई हो गया हो तो मैं कह नहीं सकता जी, लेकिन बिना डर के बिना भय से लोग समझते हैं कि आज किसी के ऊपर 307 का नजायज पर्चा नहीं होगा, किसी के ऊपर 302 का पर्चा नहीं होगा, किसी को धक्के से धमकाया नहीं जाएगा। अगर एक केस ऐसा हो जो सरकार के एमएलए ने, मिनिस्टर ने किसी को धमकाया हो, किसी को डराया, किसी पर पर्चा कराया हो तो बताओ, ये नहीं होने देंगे हम जी। आप कह रहे हैं कि जो सियासी दखल है वो नहीं होगा। कुछ दिन पहले ही एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें कि आप कांग्रेस के विधायक जो है वो पुलिस को धौंस दे रहे थे अपनी सरकार की, तो ये ऐसे मामले आप कह रहे हैं कि खत्म होंगे, ऐसे मामले सामने नहीं आएंगे, कोई सियासी दखल नहीं होगा? दिनेश जी आप ठीक कह रहे हैं, वो कहने और सुनने की बात है, ये वो गुरदासपुर की या जो अमृतसर की बोली है ना, उनकी अपने वर्करों को दिलासा देने के लिए कहा है, वो इस समय निकल गया। हमारे वर्करों पर पर्चे होते रहे हैं नजायज, हमारे वर्करों पर 302 के पर्चे होते रहे हैं, उन्होंने बोलने का समझने का फर्क है यही कहा है। ये लोग जो खड़े हैं ये मत भूल जाएं आप,
कि हमारे वर्करों पर कोई नजायज पर्चा कर देगा, अब कोई आपको पर्चा नहीं करेगा, अगर कोई नजायज करेगा उसको देखा जाएगा, यही कहा। लेकिन आपकी सरकार भी नाजायज पर्चे नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी जी।